जो कांग्रेस पार्टी रही थी उसके खाते में कितनी सीटें गई थी वो भी बताते हैं आपको। 2017 के नतीजे ग्राफिक्स जरिए बता रहे हैं, 41 सीटें और देखिए गढ़वाल में 41 सीटें जिसमें से 34 सीटें कुल मिलाकर यहाँ बीजेपी को मिली थी, 2017 के नतीजे बता रहे हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी 0 थी उस दौरान और अदर्स के खाते में 1 सीट गई थी। 2017 के नतीजे में आपको बता दिए बारी बारी से ग्राफिक्स के जरिए, बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा था बीजेपी का क्योंकि मोदी लहर यहां पर कामयाब रही थी और उसी का असर नजर आया था, क्लीन स्वीप यहां पर हुआ था। और इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं वोट शेयर के बारे में। तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र का वोट शेयर क्या कुछ रहा था 2017 में, 46.41% ये बीजेपी का वोट शेयर था 2017 का। इसके बाद कांग्रेस की अगर हम आगे बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर गढ़वाल क्षेत्र में 31.62% रहा था। आम आदमी पार्टी के बारे में भी अब आपको बता देते हैं तो यहाँ पर 21.97% आम आदमी पार्टी का गढ़वाल क्षेत्र में वोट शेयर रहा था और आदर्श के खाते में जो कि 1 सीट गई थी उसमें 22.20% यहाँ पर वोट शेयर रहा था। तो ये हमने आपको गढ़वाल क्षेत्र के बारे में बता दिया जिसमें 41 सीटें आती हैं। लेकिन अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी दे रहे हैं और मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए बढ़वा यहाँ पर ये छोटा प्रदेश जरूर है लेकिन 41 सीटें आती हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, तो 7 जिले आते हैं, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली। महत्वपूर्ण सीटें कौन कौन सी हैं तो वो भी समझिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ की महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर ज्यादातर नेताओं की नजर टिकी रहती है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, देहरादून कैंट, ऋषिकेश, ये महत्वपूर्ण सीटें हैं जो कि गढ़वाल क्षेत्र में आती हैं। बारी बारी से हर एक सीट की जानकारी